हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का प्यू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज मैं आप लोग के साथ ट्रेन जर्नी और हम लोग कहाँ उतरने वाले हैं वो सारा चीज़ें दिखाने वाली हूँ। हम लोग की जो ट्रेन जर्नी है वो सेकेंड डे की है और बहुत ही अनकम्फर्टेबल तरीके से शुरू हुई थी और अनकम्फर्टेबल तरीके से है। पीयू प्रिंस है ना, थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, पीयू के साथ प्यार कर रही थी और यहाँ पर ना जो ट्रेन में साफ़ सफाई है वो हो रही थी। ये साफ़ सफाई करने के बाद ना उनके पास एक लिस्ट थी, उसमें साइन ले रहे थे ताकि सबको दिखा सके कि हमने साफ़ सफाई की। जो साफ़ सफाई जो है वो एकदम अच्छी तरीके से नहीं हुई थी, थोड़ी सी अच्छी थी, थोड़ी सी खराब थी, ऊपर ऊपर से की गई। फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हमने जो चना भिगाया था ना उसके साथ कांदा टमाटर काट के उसका ना एज ए सलाद जैसा आप बोल सकते हो वैसा बना के खा रहे हैं। और दोपहर में हमने पूरी सब्जी खाई थी और वो एक दो पूरी बच गई थी, मतलब कि रोटी बच गई थी, तो वो रात के साथ भाजी खाना जो लिए उसके साथ खाया। और ये जो ट्रेन का खाना है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बेस्वाद और पैसे भी ज़्यादा ले लेते हैं। अब हमें ना उतरने वाले हैं, जितने भी हमारे सीट पर लोग थे वो उतर चुके हैं आधे, और आधे हम बचे हैं। जो ट्रेन है और लेट हो रही है, हम रात को उतरने वाले थे पर अभी है ना सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग उतर ही नहीं रहे हैं। हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया और सुबह के 7 बजे ऑलमोस्ट जो ट्रेन है वो लग गई है और हमने अपना सामान लिया और स्टेशन से बाहर निकल गए। हम एकदम थक चुके थे, 2 दिन 2 रात ट्रेन में ना एकदम थका दिया था, 15 घंटा लेट चली ना, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। वहाँ से हमने लिफ्ट लिया और बाहर निकल गए। ये देखिए बाहर का स्टेशन का नज़ारा कितना सुंदर है ना। मुगल सराव स्टेशन पे पहुंचे हैं, यहाँ से हमारा आगे का सफ़र होगा और कितना सुंदर जो डेकोरेशन है बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पे बैठे हुए थे अपना ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। फ्रेंड्स, एक करेक्शन है, जो मुगल सराव स्टेशन का नाम ना दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। मैं बहुत पहले आई थी इस वजह से मैंने ध्यान से उतर गया, अभी मैंने देखा तो मुझे याद आया। जब तक मैं बाहर निकल के वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मेरे यहाँ पर जो ससुर जी है ना वहाँ पर रिक्शे वाले से ना मोल भाव कर रहे थे कि हमें ना जाना है चंदवग और वहाँ तक का किराया लेंगे कितना, तो 2-3 रिक्शे वाले छूट गए। ये 3रे रिक्शे वाले में बैठे हैं हम, मैं, पीयू प्रिंस, दादा और हमारे साथ जो लड़की आई है वो। फ्रेंड्स, हम अपने घर आजमगढ़ नहीं जा रहे हैं, चंदवग जा रहे हैं, बुआ के घर, हम वहीं पर रहेंगे। हमारे जो घर है, मेरे ससुर का जो घर है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है कई सालों से, तो वो है और वहाँ पर अच्छे से जो मेंटेनेंस है वो नहीं हुई है, इस वजह से हम ना अपनी बुआ के घर जा रहे हैं। ये देखिए गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कई सालों बाद आ रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा है। पीयू प्रिंस को ना चाय की तलब होने लगी तो फिर हम लोग ने ना यहाँ पर पूर्व वाली जो चाय होती है ना वो पी। पीयू को है ना ये थोड़ा सा अलग लग रहा था कि हम लोग कैसे पी रहे ये वाली चाय, तो फिर वो देख के वो एकदम एक्साइटेड हो गई थी कि मम्मी ये वाला चाय पीना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोल रही है मम्मी ये कैसा ग्लास है, मम्मी इस तरह से कैसा दिया हुआ है। पीयू ने पहली बार ये वाला एक्सपीरियंस किया था और पीयू को तो बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद इन्होंने जो ग्लास फोड़ा ना तो उनको और एक्साइटिंग लगा, ग्लास पी के फोड़ना भी है। चाय पीते ही हम ना थोड़ी देर में पहुँच गए अपने बुआ के घर। चलिए दिखाती हूँ उनका घर। फ्रेंड्स, ये जो है मेरी बुआ का घर है, बुआ सास का घर है, बाहर से इस तरह से दिखता है। आज के दिन हम कहीं नहीं जाने वाले हैं क्योंकि जो मेरे ससुर जी है ना वो ये लड़की को अपने घर छोड़ेंगे, उसकी मम्मी की तबीयत जो है बहुत ख़राब है, ऑपरेशन हुआ है, तो उनसे मिलेंगे। फिर उसके बाद आते आते उनको रात हो जाएगी, तो हम आज के दिन यहीं पर रहने वाले। हमने ना अपना जो बैग वगैरह है यहीं पर रख दिया है और पीयू प्रिंस को जाती अच्छी तरीके से नहला दिया और मेरे जो ससुर जी है वो खाना खा के इन लोग सब लोग नाश्ता वगैरह करके निकले। फ्रेंड, चलिए घर से गए, बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ किस तरह से है। मेरे जो बुआ सास का घर जो है वो है ना चंदवक बाज़ार में है और एकदम पूरा मार्केट एरिया है। ये जो रोड है यही है ना, चलती रोड है पूरी। फ्रेंड्स, ट्रेन के सफ़र में ना बाल जो है बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इस वजह से मैंने अपने बाल जो है बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। आज के दिन यहीं पर रहेंगे। अब है ना दूसरा दिन है और हम लोग निकल रहे हैं गंगा नहान करने। मैं सुबह सुबह उठ के नहा ली, मैं वहाँ पर खुले में नहाना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, अलग
लगता है, इस वजह से मैं ना सुबह सुबह उठ के नहा ली। ये मेरी बुआ सास है और वो उनकी पोती थी। पीयू को वही कपड़ा पहनाया है और प्रिंस को भी वही कपड़ा कल वाला ही पहना के रखा है, ताकि उन लोग वहाँ पर जाएंगे नहाएंगे गंगा जी में, और वहाँ पर नहाने के बाद उनको बहुत मज़ा आएगा। इस वजह से वही कपड़े के साथ मैंने उन लोग को निकाल दिया है और कपड़े जो है बैग में ले लिया है। सबसे पहले हमने रिक्शा पकड़ा। गाँव की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, फ्रेश खाना, फ्रेश एयर, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। जैसे मुंबई में एकदम फास्ट चीज़ें होती है, वैसे नहीं होती, यहाँ पर थोड़ी स्लो होती है और जो ट्रैवलिंग है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। हमने ना पहले रिक्शा पकड़ा था, अब है ना हाथ गाड़ी वाला रिक्शा है ना वो ले रहे हैं। पीयू को तो एकदम अलग लग रहा था, क्योंकि हम पीयू पहली बार इस पर बैठी थी और इसको देख के ना पीयू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। मम्मी पूछ रही थी, मम्मी हम इस पर बैठेंगे, हम इस पर बैठेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे अंकल लेके जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। जब हम इस पर फाइनली बैठ गए ना तो फिर उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए उसके चेहरे की, प्रिंस के चेहरे की खुशी कितनी अच्छी लग रही है, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही थी। पर कहना पड़ेगा जो रिक्शे वाले हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी धूप है गाँव में, इतनी धूप है कि अब इंसान की तबीयत ही ख़राब हो जाए। उस धूप में ये है ना साइकिल चलाते थे लोगों को बैठा कर, हैट्स ऑफ इनको। हम है ना जा रहे हैं काशी विश्वनाथ, और काशी विश्वनाथ के यहाँ पर जो गंगा नदी है ना वहाँ पर स्नान करेंगे पीयू प्रिंस। फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी और आप लोग तक पहुँचाती रहूँगी। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे गांव घूमना, सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स हमारा जो मेन टारगेट था कि हम लोग ना सुबह सुबह जल्दी पहुँचे और गंगा नदी में स्नान करें, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप आने लगेगी तो हम लोग के जो पैर है वो जलने लगेंगे और हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम रहना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है काशी विश्वनाथ जी में लाइन बहुत होती है, वहाँ पर लाइन लगाएंगे और बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से हमने ना सुबह सुबह ही निकल गए थे और अब भी करीबन 10 बज रहे हैं जो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। गंगा घाट जाने से पहले ना ये जो मार्केट है वो लगता है। हम लोग छाव छाव से चल रहे हैं और 10 बजे ही देख सकते हैं कितनी धूप हो गई है। ये देखिए यहाँ पर बैग्स वगैरह है, यहाँ पर मोती और तरह तरह की चीज़ें ना बेची जा रही है, रुद्राक्ष वगैरह बहुत सारे चीज़ें बेची जा रही है, कहीं के ना नाम ही नहीं मालूम मुझे। और सबसे ज़्यादा अमेजिंग मुझे क्या लगा पता है, कस्तूरी, हिरन का जो कस्तूरी कुछ रहता है वो बोलते हैं कि उसमें से अलग सी खुशबू आती है और नेचुरली हमेशा उसमें खुशबू रहती है। ये सारी चीज़ें बेचे जा रहे थे यहाँ पर। जैसे कि मैं मुंबई से हूँ और मुंबई में समुंदर है और समुंदर के करीब आते आते ना बहुत सारी हवाएं चलने लगती है, सेम वैसा ही गंगा जी के यहाँ पर आते आते ना हम लोग को एक रिफ्रेशिंग हवा आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे हवा में धूप थी लेकिन एक अच्छी हवा भी थी। यहाँ पर मेरे ससुर जी ना एक औरत से तीन मुखी रुद्राक्ष ले रहे थे। तीन मुखी रुद्राक्ष ना बोलते हैं पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, जो छोटे बच्चे होते पढ़ाई के वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। यहाँ पर तरह तरह के फूल थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर है ना पीयू प्रिंस को भूख लग गई तो पूरी जी का जो स्टॉल था वहाँ पर जा रहे थे, तो पीयू बोलती है पूरी भाजी नहीं खाना है, मुझे डोसा खाना है। ये जो पुलिस जी है ना पीयू को देवी मैया कह रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर प्रिंस आया तो प्रिंस को भैरव बाबा बोल रहे थे, तो फिर हम लोग ने उनसे बातें करने लगे, बहुत अच्छे थे पंडित जी। और हम लोग गंगा घाट पहुँचने वाले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।